बॉलीवुड के जाने माने कलाकार संजय दत्त को कौन नहीं जानता। संजय दत्त अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। वहीं कई बार उनका अंडरवर्ल्ड से नाम भी जोड़ा गया, जिसकी वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा था। और वहाँ जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। संजय दत्त ने जेल से निकलने के बाद वहाँ की कई सारी बातें शेयर की थीं और बताया था कि वहाँ बहुत मक्खियाँ थीं, हर जगह मक्खियाँ होती थीं। एक बार उन्होंने बताया कि कई बार दाल में भी मक्खियाँ पड़ जाती थीं, मैं मक्खी निकाल कर दाल पी जाता था। संजय दत्त ने आगे बताया कि मुंबई आया तो एयरपोर्ट पर हजारों पुलिस वाले मेरी तरफ बंदूक तान कर खड़े थे, जैसे मैं ओसामा बिन लादेन हूँ। आपको बता दें कि खुद संजय दत्त ने इस बात का खुलासा किया है कि ऐसा कोई ड्रग्स नहीं है जो उन्होंने ना लिया हो, और जब वह इलाज के लिए गए तो लिस्ट में सभी ड्रग्स के नामों पर टिक किया था। संजय दत्त की यात्रा बहुत कठिन रही है। वो फिलहाल अपने परिवार और बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और दमदार फिल्में भी कर रहे हैं।